Welcome to SR English Institute. This is Yar Sharma. Today I'm going to talk about especially for the usage of must of modal executive verbs. Yani aaj main khas taur par modal executive verbs ke must ke bare mein baat karne ja raha hu. So let's start this video lecture. First of all I would like to tell you the usage of must. Yani sabse pehle hum must ke bare mein baat karne ja raha hu. To dhyan rakhiye. Must is used to express the requirement or need of doing something. यानी must का प्रयोग किसी चीज को करने की जरूरत या आवश्यकता के अर्थ में किया जाता है. मान लीजिए कि यदि हमें किसी काम को करना हो और वो काम बिना किए आगे का कार्य नहीं हो सकता, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ modal executive verb में से especially must का प्रयोग करना चाहिए. जैसे मान लीजिए कि हमें किसी एग्जाम को देने पटना जाना हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए. जैसे वी मस्ट गो टू पटना, हमें पटना जाना चाहिए या हमें पटना जाना अवश्य चाहिए. वी मस्ट प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, हमें परीक्षा की तैयारी अवश्य करना चाहिए. तो यहाँ किसी चीज की अति आवश्यकता है, यानी बिना उसको किए हम आगे का कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मस्ट का प्रयोग करना चाहिए. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मस्ट का अर्थ क्या क्या होता है, यानी कि मस्ट अपने साथ भिन्न भिन्न प्रकार के भाव को अपने बाद लेता है. ऐसी स्थिति में उस भिन्न भिन्न प्रकार के भाव के प्रयोग होने से भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ भी आने लगता है. ये जाहिर सी बात है कि जब भाव बदलेगा तो अर्थ भी बदलेगा. तो कैसे होगा और कौन से भाव को लगाने से क्या अर्थ होगा, हम लोग ध्यान दें. ध्यान रखिए, जैसे मस्ट के बाद विवर्ण का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है अवश्य ना चाहिए, अवश्य नहीं चाहिए, अवश्य नहीं चाहिए. अब ना ने नी जो लग रहा है, ये विवर्ण जो यहाँ प्रयोग होगा वही उसी विवर्ण के साथ यहाँ प्रयोग होगा. जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने से बड़ों का आदर करने चाहिए या करना चाहिए. तो यहाँ ना चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ रिस्पेक्ट जो वर्ड आ रहा है उसी के हिंदी अर्थ में ना चाहिए नहीं चाहिए लग रहा है. क्लियर हो गया. अब इसी का हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान रखिए कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ मस्ट के बाद बी प्लस वी थ्री होगा. यानी पैसिव वॉइस का मतलब होता है किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी कार्य को पूरा किया जाना या किसी व्यक्ति पर किसी कार्य को पूरा करना या करना. तो जैसा कि हम लोग कर सकते हैं मस्ट प्लस बी प्लस वी थ्री, तो ऐसे स्थिति में अवश्य या जाना चाहिए, अवश्य ई जानी चाहिए, अवश्य ई जानी चाहिए का अर्थ लगाएंगे जब मस्ट बी प्लस वी थ्री लगा हो. तो जैसे जैसे वी मस्ट या द एल्डर मस्ट आवर एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, यानी हम अपनों से बड़ों के आदर किया जाना चाहिए. यहाँ पर आया तो यहाँ पर हम लोग किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी पर कार्य करने की बोध कराते हैं तो मस्ट बी प्लस वी थ्री का प्रयोग करते हैं और ऐसा कार्य जो करना अति आवश्यक है. नेक्स्ट, अब हम लोग मस्ट के बाद हैव का भी प्रयोग करते हैं और वी थ्री का भी प्रयोग करते हैं. तो ऐसे स्थिति में उससे यानी इस स्ट्रक्चर से हमारा ये बोध होता है कि वो कार्य हो गया होगा. और कैसे हुआ होगा, तो पूरी तरह से हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर हैव किसी भी भाव के बाद हैव प्लस वी थ्री लगा हो तो भाव को परफेक्ट फॉर्म कहा जाता है. और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से किसी कार्य को बीत जाना, हो जाना. तो ऐसे स्थिति में मस्ट हैव प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे और मस्ट हैव प्लस वी थ्री का अर्थ होगा अवश्य चुका होगा, अवश्य चुकी होगी, अवश्य चुके होंगे, या अवश्य या होगा, अवश्य ई होगी, अवश्य ये होंगे. ऐसा अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस लगाते हैं हम लोग. और यहाँ पर जो खाली स्थान है यानी चुका चुकी के पहले जो लगेगा वही भीतरी का रूप लगेगा, यानी भीतरी का ही हिंदी लगेगा, या ये ई के साथ जो लगेगा या तो यहाँ पर भीतरी का ही अर्थ वर्ड वाला अर्थ यहाँ लगाया जाएगा. जैसे दिस वर्क मस्ट हैव कंप्लीटेड, यानी यह कार्य निश्चित रूप से यानी अवश्य पूरा हो चुका होगा. तो ऐसे स्थिति में हम मस्ट है भीतरी का प्रयोग करेंगे, यानी ऐसा लग रहा है कि वो कार्य अब उस कार्य में कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो हाँ मस्ट है भीतरी का प्रयोग करेंगे.
और इसी का हम पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करेंगे, तो मस्ट के बाद हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे जैसे द पुअर मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी गरीबों को सरकार के द्वारा अवश्य मदद किया जा चुका होगा या अवश्य मदद किया गया होगा। तो यहाँ हमारा अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस यहाँ पर मस्ट हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा ये है कि हम जब इसे कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई काम जारी रहने की संभावना है भविष्य में और निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग उसमें आपको पॉसिबिलिटी है कि वो कार्य निश्चित रूप से वो जारी रहेगा ही, तो इसलिए मस्ट बी प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ होता है, यानी ऐसे स्ट्रक्चर का अर्थ होता है अवश्य रहा होगा। जैसे ही मस्ट बी गोइंग, वह अवश्य जा रहा होगा। सी मस्ट बी कमिंग, वह अवश्य आ रही होगी। माई ब्रदर मस्ट बी हेल्पिंग देम, मेरा भाई उन लोगों को अवश्य मदद कर रहा होगा। यानी इससे एक्सप्रेस हो रहा है कि दैट एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी कार्य जारी है का अर्थ होता है। और कैसे जारी होता है, एकदम दृढ़ उसके पूरे विश्वास है कि वो कार्य जारी होगा, तभी मस्ट बी प्लस बी फोर का इस्तेमाल करेंगे। अब वहीं को हमारा मस्ट बी प्लस नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी के बाद हम एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ स्ट्रक्चर मस्ट बी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में अवश्य हो सकता है का अर्थ लगेगा। यानी यहाँ देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के भाव को आ जाने से आगे या वर्ड को भिन्न भिन्न प्रकार के बाद, यानी मस्ट के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल होने से भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में हमारा अवश्य हो सकता है। यानी ऐसे यानी मस्ट बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग या अवेलेबल समथिंग। यानी जब मस्ट बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं कि तो ऐसे से दृढ़ है संभावना या बिलीफ किसी कार्य को होने या करने का बोध होने लगता है, या किसी वस्तु के होने या किसी हो इस वस्तु के होने की स्थिति को का बोध होने लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा संभावना है कि किसी व्यक्ति को देख कर और ऐसा संभावना है कि निश्चित रूप से वो ऐसा होगा। जैसे किसी डॉक्टर कोई व्यक्ति है और ऐसा लग रहा है कि उसके बात से हाव भाव से या उसके बताने से कि वो डॉक्टर होगा, तो उसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है, यानी ज़्यादा उसमें बिलीफ है कि वो विश्वास होगा, उसमें संभावना ज़्यादा लग रहा है। या वो जैसे कि डॉक्टर का किसी प्रकार का कोई चीज़ ऐसा या उसी के ड्रेस जैसा लग रहा है कि वो पहना हुआ है, तो हम कह सकते हैं मस्ट बी ए डॉक्टर, वो अवश्य डॉक्टर होगा। या यदि कोई व्यक्ति सुंदर हो और तो उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो उसका बच्चा भी सुंदर होगा, या वो यदि कोई व्यक्ति तेज हो तो उसके देखने से या उसको समझने से ऐसा लगता है कि उसके बच्चा भी तेज होगा, तो ऐसे स्थिति में हमें कहना चाहिए सी मस्ट या हिज डॉटर मस्ट बी ब्यूटीफुल, यानी उसकी बेटी अवश्य सुंदर होगी। या हिज सन मस्ट बी इंटेलिजेंट, उसका लड़का अवश्य तेज होगा। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अर्थ में हम लोग करते हैं। उसी ये भी कह सकते हैं कि उसके दादाजी अवश्य 90 वर्ष के होंगे या 90 वर्ष से ऊपर के होंगे, तो हिज ग्रैंडफादर मस्ट बी ओवर 90 ईयर्स ओल्ड, यानी उसके दादाजी 90 वर्ष से ऊपर के होंगे या हो सकते हैं का भी कह सकते हैं और होंगे का भी अर्थ कह सकते हैं हम लोग, है ना। ये भी कह सकते हैं या हो सकते हैं, दोनों का हम सेंस लगा सकते हैं, दोनों से संभावना स्ट्रॉन्ग संभावना का बोध हो रहा है हम, लेकिन अवश्य जरूर लगाना है, मस्ट का प्रयोग करना है, तो ध्यान रखिए। अब हम लोग ध्यान रखिए कि इसका सेंस और भी होता है, जैसे फफुंदी या भुकड़ी लगना के अर्थ। जैसे मान ली कोई वस्तु खराब हो रहा हो तो उस समय हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं कि वो वस्तु खराब है,
या खराब हो रहा है ना। जैसे स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, स्वीट मेस लगा दिए, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, हैव टू मस्ट यानी मिठाइयाँ खराब होने वाली है, यानी मिठाइयाँ खराब होने वाली है, यानी मिठाइयाँ भूखी लगने वाली है, भूखड़ी लगने वाली है। अब इसी को हम लोग मस्टी का प्रयोग यदि करते हैं तो इसमें होता है सीलन, जैसे वर्षा होने पर किसी दीवार या किसी चीज़ों के माध्यम से हमारा पानी रिसने लगता हो तो सीलन भी कहता है, सीलन कहा जाता है, तो वह मस्टी कहा जाता है। इसी में मस्टर्ड का प्रयोग करते हैं यानी ईयर लगा देते हैं तो इसका अर्थ होने लगता है एकत्रित करना यानी कलेक्ट करना, संग्रहित करना के अर्थ में प्रयोग होने लगता है। और यही MSTARD मस्टर्ड करने लगते हैं तो सरसों का तेल हो जाता है। अब यहाँ पर हमें समझिए फफूंदी या लगना या भुकड़ी लगना जब प्रयोग होता है या इसका अर्थ होने लगता है तो ऐसे कंडीशन में हम इसे मेन भाव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन भाव के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे तो इसे भाव के तीनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मस्ट, मस्टेड, मस्टेड, मस्टिंग और मस्ट, यानी ये तीनों फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मेन भाव के रूप में काम करेगा। कि कौन इसका अर्थ होता है मस्ट का, मस्ट का अर्थ होता है ताजी शराब, जैसे ही इज ड्रिंकिंग मस्ट, वह ताजी शराब पी रहा है, यह मस्ट का अर्थ होता है ताजा या ताजी शराब। तो अब हम लोग वन बाई वन करके एक बार और अच्छी तरह हम लोग एग्जाम्पल और डिफरेंट टाइप में पढ़ सकते हैं। जैसे मस्ट के बाद यदि भीवन का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिए जब मस्ट के बाद भीवन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में हमारा इसका सेंस होता है प्लस टू प्लस भीवन, यानी कि ऐसे कंडीशन में हम इसमें हम लोग मस्ट के अलावा हम है या हैव टू प्लस भीवन का भी इस्तेमाल कर हम लोग सेम अर्थ में वाक्य को दर्शा सकते हैं। जैसे वी मस्ट गो स्लीप एवरी डे, यानी हम लोगों को रोज थोड़ी देर अवश्य सोना चाहिए, यानी हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है इसकी, तो इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो ध्यान रखें इसी तरह हमारा हम इसके बदले में कह सकते हैं वी हैव टू गेट स्लीप एवरी डे, यानी इसका सेम अर्थ हुआ हम लोगों को रोज थोड़ी देर अवश्य सोना चाहिए, या हमें 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 प्रतिदिन या रोज थोड़ी देर सोना पड़ता है, ये भी अर्थ हुआ। अब इस यही नेक्स्ट बी नंबर एग्जाम्पल देखिए यू मस्ट हैव गोन आउट, इसका अर्थ वह हम अब मेरा जाना जरूरी है या मेरा या तुम्हारा सॉरी अब तुम्हारा जाना जरूरी है, यहाँ तुम्हारा होगा तो यहाँ तुम्हारे का सेंस हुआ कि यानी इसका ये भी सेंस हुआ कि अभी हमें अवश्य जाना होगा या अभी हमें अवश्य जाना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं यू हैव टू गो नाउ, हमें अवश्य हमें अभी जाना पड़ता या हमें अभी जाना पड़ता है या हमें अभी जाना है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो have plus two plus भीवन यदि लगा रहे तो उसका ये भी हो सकता है अर्थ, या ये होता ही है ना पड़ता है, नहीं पड़ती है, नहीं पड़ते हैं, या ना है, नहीं है, नहीं है। जैसे आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है या मुझे वहाँ जाना पड़ता है। नेक्स्ट वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हम लोगों को ट्रैफिक के नियम, यानी ट्रैफिक यानी यातायात के नियमों का पालन या मानना चाहिए, यानी कि ये काम करना हमें अति आवश्यक है, इसलिए हमारे यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ। इस अर्थ में हम लोग ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ ऑट टू और शुड से ज़्यादा हमारा जरूरत है मस्ट का। यहाँ पर यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसा आपको डर है या ऐसा लगता है कि मुझे फाइन किया जाएगा, तो वहाँ पर सूट और ऑट टू से ज़्यादा आपको मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसा आपको लगता है कि फाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी जनरल एडवाइस दे रहे हैं, तो हम वहाँ पर सूट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आने लगता है कि हमें करना चाहिए, नहीं करेंगे तो भी
काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए ये कह रहा है कि करना ही है आपको, नहीं करिएगा तो हो सकता है कि इसमें सेंस होगा कि आगे वो फाइन कर सकता है, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें छात्र काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक ही सेंटेंस में आपको कभी मस्ट का प्रयोग मिलेगा, एक ही सेंटेंस में ऑट टू का भी प्रयोग मिल जाएगा, एक ही सेंटेंस में आपको आपको शुड का भी प्रयोग मिलेगा। तो इसके लिए मैं एक और स्पेशल वीडियो आपको बनाऊंगा स्पेशल ये सभी में अंतर क्या है। पहले हम लोग डीप पढ़ लें, उसके बाद हम लोग शॉर्ट टेक्निक से समझ लेंगे कि कैसे पकड़ना है। जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर लीडर, यहाँ पर शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं और टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह कह रहा है कि हमें अपनों से बड़ों का आदर करना अवश्य करना चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा आपको हो सकता है कि आपको कुछ भारी मान यानी निश्चित रूप में लॉस होगा, 100% गारंटी है कि आपको लॉस होगा, चाहे सामाजिक हो या चाहे इकोनॉमिकल हो, तो ऐसे कंडीशन में मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे लगे कि उसमें हमारा सामाजिक यानी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिख रहा है वहाँ पर ऐसा करना चाहिए, नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा आप नीचे आप झुका सकते हैं और टू को ला सकते हैं, और टू से भी आपको लगता है कि उससे भी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो हमारा सूट का प्रयोग करना चाहिए। वो सूट में ऐसा कर भी सकता है व्यक्ति, नहीं भी कर सकता है किसी काम को। नेक्स्ट, अब इसी को हम लोग मस्ट प्लस वी1 के सेंस में हम लोग हैड प्लस टू प्लस वी1 का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी वही अर्थ होता है जरूरी किसी कार्य को होने के या रिक्वायरमेंट की जरूरत बोध कराता है। जैसे हैड टू प्लस वी वन का यदि प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में तो इसलिए बोध होता है कि किसी कार्य को हमें करना है या करना पड़ा या करना पड़ता था, यानी ना पड़ता था, नहीं पड़ती थी, नहीं पड़ते थे, हैड टू प्लस वी वन लगा हो तो इसका अर्थ लगाया जाता है या ना पड़ा, नहीं पड़ी, नहीं पड़े लगाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में देखें यू हैड टू गिव अप स्मोकिंग, यानी तुम्हें धूम्रपान छोड़ना पड़ा, यानी ये ऐसा लग रहा है बात उसे कि वो निश्चित रूप से वो मजबूर था उस काम को छोड़ने में, यानी धूम्रपान को छोड़ने में, यानी कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी तभी वो छोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग हैड टू का प्लस वी1 का प्रयोग इसी के मस्ट प्लस वी1 के सेंस में पास्ट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह वी हैड टू फॉलो द ट्रैफिक रूल, यानी कह रहा है कि हमें ट्रैफिक के नियमों को पालन करना पड़ा, यानी यदि पालन नहीं करते तो हो सकता है उसे पनिशमेंट मिल सकता है या फाइन किया जा सकता था, तो इसलिए यहाँ हैड टू प्लस वी1 का प्रयोग कर रहे हैं। या और ऐसे हैड टू प्लस वी1 से ये बोध हो रहा है कि वो कार्य हो चुका है, घटित हो चुका है, पास्ट की बात है कि हमें करना पड़ा यानी करना पड़ा था। नेक्स्ट, अब यही हम चाहें तो मस्ट प्लस वी1 का प्रयोग के सेंस प्रयोग को हम लोग फ्यूचर के भी अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मस्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट के बाद बाय का प्रयोग कर हमें फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी मस्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर बाय का यहाँ तक होगा और यहाँ टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर टाइम मतलब सच टाइम विच एक्सप्रेस द फ्यूचर एक्शन, यानी ऐसा कार्य जो फ्यूचर के कार्यों को दर्शाता हो ऐसे यहाँ पर एक्शन को यहाँ डालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ जैसे सेल या वी प्लस है प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट या बाई प्लस फ्यूचर टाइम का प्रयोग करिए। जैसे तो ध्यान रखिए अब हम लोग यहाँ पर दोनों बात को समझ लीजिए कि मस्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस फ्यूचर टाइम, या इसके बदले में हम लोग डायरेक्ट सेल प्लस वील के बाद हैव का प्रयोग कर टू का प्रयोग कर वी1 प्लस ऑब्जेक्ट बाई प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे, तो मस्ट प्लस वी1 के सेंस में यानी सिनोनिम्स के रूप में यह स्ट्रक्चर काम करेगा। जैसे आई मस्ट गो बाई द एंड ऑफ द मंथ, यानी कह रहा है कि मुझे इस मंथ के यानी महीने के अंत तक जाना होगा, या इसके बदले में हम ये भी कह सकते हैं आई सेल हैव टू गो बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी हमें सॉरी मुझे महीने के अंत तक जाना पड़ेगा, या इसका अर्थ हुआ जब सेल अगिल के बाद वी1 प्लस टू वी1 का प्रयोग करेंगे। इसी तरह यू मस्ट वैकेंट द रूम टुमारो, कह रहा है कि तुम्हें बाय टुमारो का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कह रहा है कि तुम्हें कल तक रूम यानी कमरे को खाली कर देना होगा, या ये भी कह सकते हैं यू विल वैकेंट या यू विल हैव टू वैकेंट द रूम
बाय टुमारो, यानी तुम्हें कल तक इस रूम को खाली करना होगा, ये भी कह सकते हैं। या आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई मस्ट कंप्लीट इट बाय टुमारो, यानी इस मुझे कल तक इसे पूरा कर देना होगा या अवश्य पूरा कर देना चाहिए, ये भी सेंस हो रहा है। इसको हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई शैल हैव टू कंप्लीट इट बाय टुमारो, यानी मुझे कल तक इस कार को कंप्लीट कर देना होगा, यानी दोनों का सेंस हम लोग एक ही जैसे आ रहा है, इसलिए अगर स्पष्ट कर रहे हैं तो फिर से समझिएगा। मस्ट प्लस वी वन के बदले में हैव, हैड प्लस टू प्लस वी वन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट को कार्य को दर्शाने के लिए, यानी एक्शन विच इज रिक्वायरमेंट इन प्रेजेंट टाइम, तो ऐसे स्थिति में हम लोग हैव हैड प्लस टू प्लस वी वन का प्रयोग करते हैं, और ऐसा एक्शन जो पास्ट में रिक्वायरमेंट हो करने के लिए हो चुका हो तो हैड टू प्लस वी वन का इस्तेमाल करेंगे, और मस्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट बाई फ्यूचर टाइम के बदले में शैल विल प्लस हैव प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट बाई और फ्यूचर टाइम का प्रयोग कर सेम अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें यहाँ समझना है आपको मस्ट वी प्लस वी वन के प्रयोग में, यानी इस स्ट्रक्चर पर, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इस सेंस में अलग अलग तरह से हम लोग दर्शाएं और अलग अलग टेंस से भी हम लोग दर्शाएं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसी का पैसिव वॉइस बनेगा, तो ध्यान रखें, दिस इज द चिल्ड्रेन मस्ट बी टॉट, यानी बच्चों को मस्ट बी टॉट, यहाँ पर देखिए मस्ट बी टॉट, यानी मस्ट बी और टॉट यानी भीतर का प्रयोग किए, इसका अर्थ हुआ कि बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए, यानी यदि हम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे विकसित नहीं होंगे, इसलिए हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पर अवश्य पढ़ाना चाहिए, तो इस सेंस में प्रयोग किया गया। अब हमारा ये परफेक्ट सेंस में करेंगे, ध्यान रखें मस्ट हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करेंगे, ये इसमें कैसे होगा, इसका अर्थ क्या होगा, यू मस्ट हैव, देखिए मस्ट और उसके बाद हैव का प्रयोग किए, उसके बाद वी थ्री, यू मस्ट हैव हर्ड माय नेम, मतलब कि तुम मेरे नाम को सुने होंगे, या तुम मेरे अवश्य सुन चुके होगे, या ये भी कह सकते हैं यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, तुम महात्मा गांधी के नाम सुने होगे या सुन चुके होगे, तो ऐसे स्थिति में ऐसा लग रहा है कि वो कार्य सुनने का हो चुका है, तो हमें मस्ट हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करना चाहिए। अब नेक्स्ट मस्ट हैव प्लस बी प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं, तो दिस स्ट्रक्चर इज पैसिव वॉइस ऑफ मस्ट हैव प्लस वी थ्री होगा, यानी यह स्ट्रक्चर मस्ट हैव प्लस बी प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस में होगा, किसका, मस्ट हैव प्लस वी थ्री का। तो ऐसे स्ट्रक्चर से होता है कि किसी व्यक्ति पर कार्य किया जाता है या किसी वस्तु पर काम को किया जाता है, जैसे ऐसे में स्थिति में हम प्रयोग करेंगे मस्ट हैव बीन प्लस वी थ्री, जैसे दिस वर्क हमारा सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पर यानी मस्ट का प्रयोग किए और उसके बाद हैव का प्रयोग किए और उसके बाद बीन का प्रयोग किए और वी थ्री का प्रयोग कर दिए, इससे ये अर्थ हुआ कि इस काम को यानी दिस वर्क मस्ट हैव बीन डन, यानी इस कार्य को अवश्य किया जाना चाहिए या इस कार्य को अवश्य किया जा चुका होगा, ये भी अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अवश्य या जा चुका होगा, अवश्य ही जा चुकी होगी, अवश्य ही जा चुके होंगे, या अवश्य गया होगा, अवश्य गई होगी के अर्थ में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मस्ट बी प्लस बी फोर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ध्यान रखिए उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ किए हैं, हम लोग पहले नाउन के प्रोनाउन के यानी मस्ट के बाद बी के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए जैसे मस्ट प्लस बी प्लस नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन का भी एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी, ऐसे स्ट्रक्चर से हमें होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का बोध होता है, यानी पूरी तरह से संभावना आपको हो, निश्चित रूप में आपकी संभावना ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा ही, तो ऐसा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सी मस्ट बी ओवर 90 ईयर्स ओल्ड, यानी वह अवश्य 90 वर्ष से अधिक की होगी, इसी तरह देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद हिम, उसके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत या गलती हुई होगी या रही होगी, यानी ऐसे स्थिति में देयर का अर्थ नहीं लगाया जाता है, देयर मस्ट बी समथिंग, समथिंग यहाँ एडजेक्टिव है सॉरी प्रोनाउन है, और रॉन्ग विथ हिम यहाँ प्रोनाउन है समथिंग, तो मैंने बताया कि बी के बाद प्रोनाउन का भी इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर ओवर यहाँ एडवर्ब आ गया और नाउन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया, यानी इस क्षेत्र में एक स्कूल अवश्य हो सकता है या होना चाहिए भी कह सकते हैं,
देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया, यानी स्कूल इस क्षेत्र में एक अवश्य स्कूल होना चाहिए या अवश्य एक स्कूल हो सकता है, दोनों के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे में हमारा बी के बाद एक नाउन का प्रयोग किया गया तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है। तो क्लियर हो गया हमारा नाउन तो नाउन और एडवर्ब आ रहा आया यहाँ पर और एडजेक्टिव बच गया। तो कह सकते हैं हिज डॉटर मस्ट बी ब्यूटीफुल, उसकी बेटी अवश्य सुंदर होगी। यानी आपको देखने से ऐसा संभावना है कि और संभावना आपका काफ़ी ज़्यादा हो उसमें, तो ऐसे में हम मस्ट के बाद बी के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट मस्ट प्लस बी फोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे स्ट्रक्चर से हमारा ये बोध होता है कि दैट एक्शन इज गोइंग ऑन स्ट्रॉन्गली, यानी इस कार्य को यानी इससे ये बोध होता है कि कार्य एकदम निश्चित रूप से वो जारी हो। जैसे ही मस्ट बी गोइंग देयर, वे अवश्य जा रहे हों वहाँ जा रहे होंगे। या ये भी कह सकते हैं उन्हें वहाँ अवश्य जाते रहना चाहिए, ये भी सेंस कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है मस्ट प्लस मस्ट का सेंस हमारा तीन भाव में होता है, यानी हम लोग विन भाव के रूप में भी कर सकते हैं। तो ऐसे में फफूंदी पड़ना या भुकड़ी लगना, जैसे कभी मिठाई वगैरह में उजले रंग का पड़ जाता है या ज़्यादा दिन तक कोई वस्तु को रखने से उसमें उजला फफूंदी जैसा पड़ जाता है, तो उस स्थिति में मस्ट का ही वही अर्थ होता है। ऐसे कंडीशन में हम इसे पांचों फॉर्म में बना सकते हैं, यानी किसी टेंस में बना सकते हैं। तो मस्ट भी वन होगा, मस्टेड भी टू होगा, मस्टेड भी थ्री होगा। इंजी जोड़ देंगे तो भी टू और भी थ्री दोनों सेम फॉर्म है, और मस्ट में आईएनजी जोड़ेंगे तो चौथा रूप होगा, और मस्ट में जोड़ेंगे तो पांचवा रूप होगा। जैसे स्वीट्स हैव टू मस्ट, यानी मिठाई भूखड़ी लगने वाली है, या मिठाई में भूखड़ी लगने वाली है, या मिठाई को भुकड़ी लगने वाली है। इसी तरह देयर हैव मस्टेड इन दिस स्वीट्स, यानी ये हुआ कि मिठाइयों में भुकड़ी लग चुकी है, यानी कि मिठाई खराब हो चुका है। ये भी कह सकते हैं मस्ट का मतलब कि खराब होने के भी अर्थ में प्रयोग करते हैं। और मस्ट का जो अर्थ होता है एक लास्ट प्रयोग है जिसको कहा जाता है ताजी शराब, यानी ऐसे सेंस में कह सकते हैं कि ही इज ड्रिंकिंग, drinking ड्रिंकिंग मस्ट, इसका मतलब हुआ कि वह ताजी शराब पी रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मस्ट का। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।